डियर आईएएस स्टूडेंट, आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर बेहद आसान है, जो सेमेस्टर वन एमसीक्यू ऑफलाइन एग्जामिनेशन को लेकर बेसिक बायोलॉजी और प्लांट बायोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन है। इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, सेल डिवीजन, उसके बाद जीनोटाइप्स, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फिर एब्जॉर्प्शन बाय रूट, ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस है। तो आपको इनको सबसे पहले डील करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना होगा। जो जानकारी आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर है वो बताती है कि क्वेश्चन पेपर आसान होने के साथ 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं। थोड़े से ट्रिकी मतलब यदि आपने फैक्ट को देखा है, पढ़ा है, तो बहुत आसानी से जवाब देने। सेकेंड पॉइंट है कि कितने समय में ये पूरे टाइम मैनेजमेंट को कर पाएंगे। तो एवरेज 15 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, 10 मिनट रिवीजन का रखिए। यहाँ पर मैंने जो चार्ट बनाया है उसके अनुसार आपके बायोलॉजी के पेपर जो 3 सेक्शन 1, 2 और 3 या ABC में बटे होंगे, इसमें 1 और 2 सेक्शन में 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स जो कि 1 MCQ पर मिनट आपको देने होंगे, वही 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स उसको 1 मिनट से भी कम समय में देने होंगे क्योंकि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। और डायग्राम बेस्ड 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 8 मार्क्स के होंगे, 1 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 1 to 2 मिनट यहाँ पर लेना है और इसको अच्छी तरह से 40 से 45 मिनट में निपटा देना है। एक क्वेश्चन पेपर को लेकर कहा जा रहा है कि स्टूडेंट के लिए जो स्ट्रक्चरल और सेल डिवीजन है या फिर रूट एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर है उससे काफी कुछ दिया गया है क्वेश्चन को। मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप इन चैप्टरों को ध्यान दे देते हैं तो एस इन बायोलॉजी पेपर वेरी इजीली, आपके लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। इसके साथ ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस को ध्यान देंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस से 1 मार्कर क्वेश्चन और मेंडल के लॉ से काफी बनाए गए हैं। और ये चैप्टर को आप पढ़ के जाइए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, यू मस्ट विन द बायोलॉजी ICSE क्लास 10th MCQ क्वेश्चन 100% गारंटीड। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, थोड़े से समय लगेंगे ताकि आप वहां से बेनिफिटेड हो सके। जो फैक्ट्स पढ़ने हैं उतने फैक्ट्स को पढ़ लीजिए और यहाँ पर याद रखने हैं कि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, इस बार केमिस्ट्री में भी ICSE के स्टूडेंट के लिए गड़बड़ थे क्वेश्चन, बायोलॉजी में भी कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि क्वेश्चन 2 to 3 ट्रिकी है और 1-2 क्वेश्चन है जो कि एररसम हो सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को उनको कोई कंट्रोल नहीं है, तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, डोंट स्पेयर एनी क्वेश्चंस। जो स्टूडेंट स्पेयर कर रहे हैं इसके कारण बहुत से स्कूल रिपोर्ट कर रहे हैं कि उस स्टूडेंट को मार्क्स नहीं दिया गया। अब वो CISE के पल्ले चला जाता है कि CISE उनको मार्क्स देगी कि नहीं देगी, तो आप ऐसा सिचुएशन नहीं करेंगे। सेकेंड है कि इस बार ऑप्शन को रैदर कंपेरेटिव और लॉजिकल रखने की कोशिश की गई है। मतलब यह हुआ कि आपको 3 ऑप्शन बहुत आसानी से खोज लेने हैं और उसको रिजेक्ट कर देने हैं। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कि इनमें से कौन जो कि ATP और वगैरह का कारण नहीं है, जो क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा और उसमें स्टूडेंट जो पॉजिटिव आंसर है उसमें टिक कर दे रहे हैं। इससे बचने की जरूरत है, जो नेगेटिव आंसर है, जो नहीं है, इसको देना है आंसर में। और लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकम यू, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होने चाहिए क्योंकि बायोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर्स हैं और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन देने की बात कही गई थी, अभी तक डेफिनेट नहीं है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को फिगर के हिसाब से काफी कुछ लेबलिंग कर लेने हैं और वहां पर अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है और योर 40% एंड गारंटेड योर 40 मार्क्स इज बाइंड बायोलॉजी 100% श्योर। नो वन कैन स्नैच अ सिंगल मार्क्स